हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास आई होप यू ऑल आर अमेजिंग सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट वन एंड मेनी वन एंड मेनी ऑल इमेजिन मेरे पास एक चॉकलेट है तो मैं उसको बोलूंगी आई हैव वन चॉकलेट लेकिन मेरे पास टेन चॉकलेट्स हैं तो मैं बोलूंगी आई हैव मेनी चॉकलेट्स आई हैव टेन चॉकलेट्स है ना विच इज मोर देन वन So, आज हम वन और मैनी के बारे में इन डेप्थ सीखेंगे नेमिंग वर्ड्स कैन बी यूज फॉर वन और नाउन्स होती है ना वो वन भी हो सकती हैं और मोर देन वन भी हो सकती हैं। जैसे कि कैट सी ए टी कैट यहाँ पर कितनी कैट है वन लेकिन यहाँ पर सी ए टी एस कैट्स बहुत सारी कैट्स हैं चिक एक चेक ओके बट यहां पर बहुत सारे चेक्स, सो यू गोना राइट ऑल राइट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट बी यूज्ड टू शो मोर देन वन बाय एडिंग एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. हमें जब वन से मैनिंग करना होता है तब हम एस या फिर ई e एस को एड करते हैं कार कार्स टॉय टॉयज बॉक्स यहाँ पर एक्स है ना पीछे तो मैं ई एस लगा दूंगी बॉक्सेस शर्ट शर्ट क्रेन क्रेस रोज रोजेस बनाना बनाना लाइक दिस ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट चेंज द गिवेन नेमिंग वर्ड फ्रॉम वन टू मैनी अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है यू हैव टू चेंज फ्रॉम वन टू मैनी डॉल Doll. डॉल्स मैंने ऐसा लगा दिया रोज रोजेज बॉय बॉयज ओके फिर क्या है ट्री ट्रीज नेक्स्ट सेक्शन एग्स अब हमें यहां पर क्या करना है यहां पर हमें मैनी टू वन करना है फ्रॉम प्लूरल टू सिंगलर करना है तो यहाँ पे एग्स है तो मैं यहाँ पे एसटा दूंगी एग ठीक है गिवेन नेम वर्ड फ्रॉम मैनी टू वन ऑरेंजेस तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी ऑरेंज ठीक है मुझे ई एस में से एस को हटाना है बॉटल्स टो बॉटल ऑल राइट मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ओके दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो हमें क्या करना है वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द सिंगलर फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाईज है ना हमें सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है बटरफ्लाई एस तो लगेगा ही नहीं तो हमें इसको भूल जाना है ये गलत है और बटरफ्लाई ये तो स्पेलिंग ही गलत है सो द राइट आंसर इज बटरफ्लाई आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस माइस मतलब चूहे तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस क्या होगा माइसेज नहीं हमें तो सिंगुलर चाहिए ना माउसेस नहीं क्योंकि हमें सिंगुलर चाहिए और सिंगुलर के पीछे एस और ई एस का यूज नहीं होता सो राइट आंसर क्या हो जाएगा माउस मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन विच वर्ड इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश फिशेज फिश फिशेज कौन सा सही है हमें पता है ये स्पेलिंग तो होती ही नहीं है फिशेज की ना ही ये होती है सो द राइट आंसर इज एफ आई एस एच ई एस फिशेज वट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड अगर एक बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड बट इफ इट इज मोर देन वन दैन इट इज चिल्ड्रेन एग्जैक्टली राइट आंसर इज चिल्ड्रेन चाइल्ड चाइल्ड कुछ नहीं होता द राइट आंसर इज चिल्ड्रेन ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट सो आई रियली होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी थिंग इन दिस वीडियो Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.